Hello and a very warm welcome. और आज हम आपसे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, right? And this is my session of personality development. Well, जब हम personality की बात करते हैं तो उसमें हमारी दो चीज़ें बहुत important हैं जो included होती हैं, and वो हमारे होते हैं personal and professional ethics. तो professional ethics की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ personal ethics की बात करेंगे और एक real life incident आपसे share करेंगे. अभी कुछ दिन पहले की बात है, like एक छोटा सा बच्चा था एंड चार बॉयज उसको बुली कर रहे थे और मार रहे थे. तो आई जस्ट वेंट और हमने उस बच्चे को बचाया और हमने उन चारों बच्चों को बोला कि क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको, चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से. एंड दे ऑल वेंट नाउ एंड आई जस्ट उस इतना होने के बाद दे ऑल वेंट एंड फिर हम इधर मुड़ गए अपने रास्ते के लिए. सो दिस बॉय, ये छोटा सा बच्चा, मुझे आई गेस 8 ईयर्स का होगा एंड ही इज कॉलिंग मी आंटी. तो आई जस्ट टर्न्ड बैक, हमने कहा हाँ. तो मेरे से कहता है कभी ज़रूरत हो तो बताना. हमने कहा अच्छा, किस चीज़ के लिए? तो बोला कभी मदद हो तो, ज़रूरत पड़े तो बताना. हमने कहा अच्छा, लेकिन अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे मदद की तो तुम हमको कहाँ मिलोगे? तो उसने बोला ओ ऊपर वाला मिलवाएगा एंड बाय के वो चला गया. इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी, बट समहाउ आई थॉट अबाउट इट. रात में सोने से पहले वो थॉट मेरे बार बार दिमाग में आया और मेरे को लगा कि इस इंसिडेंट ने मेरे को क्या सिखा दिया. सो आई जस्ट रियलाइज दैट इस इंसिडेंट ने मेरे को ये बताया दैट आई वॉज नॉट टॉकिंग टू अ बॉय, आई वॉज टॉकिंग टू अ मैन इन द मेकिंग. दैट्स वन. दूसरा ये बताया कि थैंक यू कहने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन या डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, थैंक यू हमारे दिल से आता है. तीसरा, प्रॉमिस जो हम करने में डरते हैं या हम उस प्रॉमिस को अगर कर भी लेते हैं तो निभा नहीं पाते हैं, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने मेरे से प्रॉमिस किया और मुझसे वादा किया कि वो मुझे मिलेगा जब हमें उसकी ज़रूरत होगी. और जब हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम मेरे को कहाँ मिलोगे जब हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी, तो और कैसे मिलोगे, तो उसने कहा ऊपर वाला मिलाएगा. Will power, the confidence, the strong-willed guy. Ethics are very important in life. And मेरे को लगता है आपके personal ethics, आपके persona, आपका introduction होते हैं. वो बच्चा, मुझे हमें नहीं पता वो स्कूल जाता है वो नहीं जाता है, उसके कपड़े ऐसे ही गंदे से थे, मिट्टी में लड़ रहे थे वो लोग, लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे ग्रेट इंडिविजुअल इज इन द मेकिंग, अ ग्रेट नेटिव इज इन द मेकिंग. सो टेक केयर ऑफ यू, अपने परसेप्शंस को वाइड रखें, अपने परसेप्शंस को ऐसा रखें कि आप पॉजिटिविटी ढूंढें चीज़ों में एंड ऑब्वियसली आप लाइफ को हमेशा फ्रेग्रेंट रखें. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ यू, एंड आई एम श्योर ये इंसिडेंट आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगा. बाय.